दोस्तों, मैं राहुल देव एक बार फिर हाजिर हूँ अपने हिडन अल्फा चैनल पर। यूपी में एक बार फिर चीरहरण का मामला सामने आया है। पहले भी ऐसे चीरहरण द्वापर युग में देखने को मिले। हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। वैसे ही यूपी के लखीमपुर खीरी में भी नामांकन पत्र भरने जाती महिला का चीरहरण किया जाता है। इस पर महिला आयोग कुछ भी नहीं बोलता है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। बीजेपी की 60 महिला नेता यूपी से हैं, जिनमें से 40 विधायक हैं, 11 सांसद हैं और नव नियुक्त मंत्री भी हैं 4 तो। लेकिन वहाँ पर चीरहरण के मामले में कोई बोलने वाला नहीं है कि चीरहरण क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ सत्ता चाटनी है लोगों को। सत्ता चाटने के इतने नंगे हैं लोग कि एक महिला का चीरहरण कर देते हैं। लखीमपुर खीरी में महिला का चीरहरण कर दिया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। लोकतंत्र में महिला आगे नहीं बढ़ सकती हैं। एक तो पहली बात यह है कि महिलाएं पहले ही बढ़ चढ़कर किसी भी काम में हिस्सा नहीं ले पाती हैं, और यहाँ पर चीरहरण जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो फिर कैसे महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगी? लोकतंत्र में ऐसे पर्चा भरने से रोकने पर क्या होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में सभी को इलेक्शन लड़ना अपना अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या कोई और ही लड़ सकता है? नामांकन पत्र भरने जाती महिला का चीरहरण हो जाता है और वहाँ पर मर्दों की भीड़ देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी कोई नहीं बोला था और आज भी कोई नहीं बोल रहा है। हस्तिनापुर को भी माफ़ नहीं किया गया था और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में ऐसे चीरहरण से शर्मसार कर दिया है देश को। महिलाएं वैसे भी घर में ही बंधी रहती हैं। कोई इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको बढ़ने के लिए रोका जा रहा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को कि कलयुग में ऐसा द्वापर युग में हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण तो थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन रोकेगा ऐसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार? बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, लेकिन कोई